इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि इस्लाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के जो इस्लामिस्ट हैं, लेकिन ये जो इतना सेंसिटिव नैरेटिव। अच्छा, इमरान साहब क्या करने लगे हैं, वो रहमत अलालमीन स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, वो इंटरनेशनली वगैरह मैं बात करूंगा। अब उनको ये है कि मैं इलेक्शन ना हार जाऊं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को हिट करना चाहते हैं, वो अपने इस्लामिस्ट तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो वोटर है वो तो सारे का सारा कंजर्वेटिव वोटर बेस है। बहुत कम वोट बेस है जो एक प्रॉपर माइंडसेट से चलता है, बहुत कम वोट बेस है। नॉर्मली फॉर एग्जांपल पीएमएलएन का भी जो वोट बैंक है वो सारा जो है वो कंजर्वेटिव वोट बेस है। और लेकिन ये एक अच्छी बात शुरू से रही है कि कभी भी पाकिस्तान में लोगों ने जो है वो शरीयत के लिए वोट नहीं दिया। जो भी सियासी जमात शरीयत को सपोर्ट करती है वो नहीं कहते नहीं, हम नहीं, हम पीएमएलएन को सपोर्ट करते हैं, पीपल्स पार्टी को, पीटीआई को। लेकिन इन पॉलिटिकल लीडरशिप का काम ये है कि दे हैव टू शो देम द वे। हमें होस्टेज नहीं बनना, हमें रियासत को चाहिए कि हमें इनसे होस्टेज बनने से बचाए। ये भी पाकिस्तानी हैं, ये भी हमारे लोग हैं, इनके साथ बहुत पहले डायलॉग हो जाना चाहिए था, चीजें समझ आ जानी चाहिए थी, लोगों को पता लग जाना चाहिए था क्या हो रहा है। अभी मुफ्ती मुनीम उठेगा क्योंकि उसके पास ओहदा नहीं है, मौलाना फजल रहमान पॉलिटिकली इनएक्टिव हुए हैं, टीएलपी ने सबको मेनस्ट्रीम कर लिया हुआ है। अब देखें कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं और सारे का सारा पाकिस्तान होस्टेज बना हुआ है। हमने तो हमें तो ये बताया गया था कि मुल्क में कारोबार बंद नहीं होगा, जो मर्जी हो जाए कारोबार बंद नहीं होगा, लेकिन आज उन्होंने कारोबार बंद करवा दिया ना, आज बिजनेस और मार्केटें बंद करवा दी हैं, किसी हद तक वो कामयाब है। हर जगह पे तो नहीं बंद लेकिन किसी हद तक कामयाब है। सो ऑल व्हाट इज नीडेड कि हमें एक नेशनल अप्रोच चाहिए, एक नेशनल अप्रोच, वो अप्रोच जिससे सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठ के बात करें। कुछ लोग पीछे बैठे रहते हैं और जो है वो गवर्नमेंट के इदारों से काम करवाते रहते हैं और खामोश रहते हैं। कुछ सियासतदान है बिल्कुल खामोश रहते हैं और मजा देख रहे होते हैं। ये जब तक आप सारे लोग टेबल पे बैठ के बात नहीं करेंगे, जिस तरह नेशनल एक्शन प्लान बना था उस वक्त तो डिक्लेयर था ना, उस वक्त भी मुझे याद है कि उस वक्त जमात इस्लामी के जो अमीर थे वो उनको किस तरह, वो क्योंकि उस वक्त हालात और थे, जमात इस्लामी के अमीर थे मुनव्वर साहब वफात पा गए हैं सिराजुल हक साहब से पहले, वो कहा करते थे कि अगर कोई पाकिस्तानी फौजी जो है वो टीटीपी के लोगों से लड़ेगा तो मैं वो जो टीटीपी वाला वो शहीद है। तो वो कह रहे थे कि ये तो वो तो पाकिस्तानी फौजियों को भी शहीद नहीं कहते थे, और वो तो अमेरिका के, तो चलो ठीक है, वो तो एक और मसला ही और था ना। सो ये जो इस्लामिस्ट हैं ये आपके बहुत अंदर आ चुके हैं और ये एक नई वेव है इस्लामिस्ट की। ये जो नई वेव है इस्लामिस्ट की ये आपके मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है, और ये नई वेव जो है ये नई बैटल लाइन्स ड्रॉ कर रही है, और ये जो बैटल लाइन्स हैं ये जारी बात है इसमें रियासत के अदारे भी जो है वो भी इससे अफेक्ट होंगे, रियासत की जो है मशीनरी भी इफेक्ट होगी, पॉलिटिकल पार्टीज भी इफेक्ट होंगे, जनरल पब्लिक भी इफेक्ट होगी, लेकिन सारे के सारे बैठ के मजा ले रहे हैं। कसूर इमरान खान साहब का है बिकॉज ही इज द लीडर, ही इज द प्राइम मिनिस्टर, ही इज सपोज टू इनवाइट एवरीवन एंड टॉक टू देम। दिस इज प्योरली अ नेशनल सिक्योरिटी इशू है ये। आपने दुनिया के साथ आइसोलेशन तो नहीं करनी, लेकिन आपने अपने लोगों को तो बताना है कि आपका मौकफ क्या है। अब हर सियासी जमात डर रही है कि अगर हमने टीएलपी के खिलाफ बात की तो हम अपना वोट बैंक ना लूज कर जाए, तो मुल्क को फिर इन्होंने क्या चलाना है, हर बंदे ने, फिर हम इसी तरह होस्टेज बने रहेंगे और हम इसी तरह जो है वो इन एलिमेंट्स के आगे जो है वो झुके रहेंगे, और जिसका जो टीएलपी जो है वो तो आपस में उनका एक चल रहा था कि कभी टीएलपी जो है वो गवर्नमेंट के लोगों को या पुलिस को किडनैप कर लेती है और गवर्नमेंट उसको छुड़ाने में कामयाब हो जाती है, और ऐसे लग रहा है जैसे हम पता नहीं कोई कौन सी दुनिया में रहते हैं कि जहां पे रियासत के जो लोग हैं उनको
कोई ग्रुप अगवा करके अपनी मस्जिद में ले जाता है। मतलब ये बड़े अजीब से मनाजर है इस वक्त पाकिस्तान के। पाकिस्तान की जो रियासत है इस्लामिस्ट के आगे इतनी कमजोर होगी, और हमने जो इस्लामिस्ट डिस्कोर इस वक्त बना दिया हुआ है कि अगर आप इस्लामिस्ट को हाथ लगाए या वो अगर कानून तोड़ दे तो उनको कोई पूछ नहीं सकता। ये एक बड़ा बहुत बड़ा एक नेशनल हमें अलमिया या कौमी अलमिया है, और इसको अगर रियासत के तमाम सतूनों ने मिल के इस पर काम ना किया तो आइंदा आने वाले दिनों में हमारा दुनिया में मजाक ही उड़ेगा। हुआ क्या है? हुआ यह है कि मुफ्ती मुनीब साहब है जो रुएत हलाल कमेटी के चेयरमैन रहे हैं काफी देर, उनको इमरान खान की गवर्नमेंट ने रिमूव किया। उन्होंने कल ये रात को ये कहा अपने लोगों के साथ मिलके जी के, क्योंकि कल जो मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन है जहां पे टीएलपी के लोग बैठे हुए हैं वहां पे कल एक ऑपरेशन हुआ है और गवर्नमेंट ने जी मार दिया है टीएलपी के लोगों को। गवर्नमेंट का कहना यह है कि जी हमारे लोगों को टीएलपी के लोग उठा के ले गए और थाने पे हमला किया, वहां पे रेंजर्स थी और हमने वहां पे रेस्क्यू किया अपने लोगों को, और लिस्ट भी आई है लोगों की जिनको हुआ किया गया, उनकी तस्वीरें भी चल रही हैं डीएसपी की, पुलिस ऑफिसर्स की, और उसकी बड़ा शर्मनाक सा वाक्य है। अब अच्छा मजे की बात यह है कि उसके बाद उन्होंने कहा जी हम पूरे पाकिस्तान में जो है वो धरने वो करते हैं, मार्केट्स क्लोज रहेंगी और ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। मैंने चेक करने की कोशिश की है मुख्तलिफ जगहों पर, मार्केट्स तो क्लोज है लेकिन ट्रांसपोर्ट चल रही है। देखिए अगर आपका कारोबार बंद हो जाए मुल्क के अंदर, जितनी हमारी कमजोर इकोनॉमी है, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह चीजें करना? हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये कितना बड़ा मॉन्स्टर बन चुका है कि अब इसको खत्म कैसे करना है ये भी कोई पता नहीं है, और रियासत की कोई रिट नहीं है। और रियासत जो है उसने जो सबसे बड़ा मुझे जो तकलीफ होती है, पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए होता है। पीपल्स पार्टी पीएमएलएन दो बड़ी सियासी जमातें हैं और दोनों ने इस तरह के इस्लामिस्ट ग्रुप्स के साथ डील किया हुआ, आप उनके साथ सिंपली बैठें और उनके साथ मामला तय करें। अब होता क्या है कि मुफ्ती मुनीब साहब ने ये जो कह दिया लेकिन बीच में कूद पड़ती है जेयूआईएफ, मौलाना फजलुर रहमान की जमात। मौलाना फजलुर रहमान की जमात वो है जो देवबंद है, लेकिन उन्होंने कभी बरेलवियों को सपोर्ट नहीं किया जो कि टीएलपी है। अब उन्होंने तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने देखा पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं उसको एक्सप्लेन किया कमर चीमा ने। कमर चीमा ने बोला कि जो इस्लाम की ये नई वेव है ये बड़ी ख़तरनाक है और ये पाकिस्तान को ले न डूबे। आपको बता दूं दोस्तों, पाकिस्तान में फ्रेंच गवर्नमेंट के खिलाफ फ्रेंच जो राजदूत हैं पाकिस्तान में, उन्हें भगाने के लिए ये प्रोटेस्ट हुआ था कि अगर आप उन्हें निकाल दोगे तो पाकिस्तान दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देगा कि पाकिस्तान दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है जो मुसलमानों के लिए खड़ा है। हालांकि पाकिस्तान के अलावा दुनिया में ऐसे कई मुल्क हैं जो पाकिस्तान से कई गुना इकोनॉमिकली और स्ट्रॉन्ग है और अमीर है, वो देश ऐसा कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपको पता होगा दोस्तों, टर्की, लाख लोगों को पता नहीं होगा कि टर्की और इसराइल के बाकायदा पूरे अच्छे से संबंध हैं, और टर्की पाकिस्तान के लोगों का एक रूहानी बाप टाइप का देश है। इसे लोग मतलब वो उम्मा उम्मा वाला कॉन्सेप्ट करके टर्की को अपने सिर पर बिठालते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा इस तरीके की सिचुएशन में जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो बुरी तरह से फंस चुकी है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट करे तो करे क्या। बेसिकली बात ऐसी है कि पाकिस्तान में जो सिचुएशन ऐसी है कि वो उन्हें फ्रेंच के अगर एम्बेसडर हैं उन्हें अगर निकालते हैं तो उनके साथ सारा यूरोपियन यूनियन का जो ग्रुप है, जो उनके राजदूत हैं, जितने देश हैं ईयू के, वो भी चले जाएंगे, जिससे पाकिस्तान अपने आप ही इतना आइसोलेट हो जाएगा कि पाकिस्तान बहुत मतलब पाकिस्तान की इकनॉमी, पाकिस्तान के लोग जो फ्रांस में ही पाकिस्तान के 100,000 लोग हैं और यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी आबादी है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो पाकिस्तान अब कुल मिला के या तो अपनी इकनॉमी बचा ले या तो फिर इस ईमान को बचा ले। तो मुझे लगता ऐसा है कि इमरान खान ने अपना ईमान बेच दिया है। इमरान खान को एक्शन लेना चाहिए और फ्रेंच राजदूत को जितना जल्दी हो सके भगाना चाहिए। आप इस्लाम के लिए इतना भी नहीं कर सकते? जब आप बोलते हो गुस्ताख है रसूल की एक ही सज़ा सर तन से जुदा, तो आपको ये एक्शन लेना चाहिए। क्यों बेकसूरों को मार रहे हो? पाकिस्तानी आर्मी मुसलमानों को मुसलमान ही मार रहे हैं रोज़े में, तो आप समझ सकते हो सिचुएशन बड़ी ख़राब है। और इसमें इस
मतलब इस जो ये पाकिस्तान में जो मैस्करण हो रहा है, इसमें जो आप समझ सकते हो कि क्या बोलूँ मैं, मिस मैनेज किया है पूरी तरह से इमरान खान ने, और सिचुएशन इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता थी, और जो इनके साथ के लोग हैं वो भी बड़े बेवकूफ़ हैं। तो डेफिनेटली इस कारण से इमरान खान की कुर्सी का जाना तय है। ऐसा लगता है कि इमरान खान अब नहीं बचेंगे, मार्शल लॉ हो सकता है पाकिस्तान में आ जाए। तो दोस्तों आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।